नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूं कि काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है यानी पप्पू यादव का वीडियो। पप्पू यादव है कौन? यानी पूर्णिया से बिहार के रहने वाले पप्पू यादव क्रिमिनल कहिए एक तरफ से, एक तरफ से सांसद भी हैं, और आज उनका वीडियो वायरल हो रहा है। रो रो कर हुआ उनका बुरा हाल। आखिर में क्यों हुआ रो रो कर बुरा हाल? एक कहावत है कि बिल में हाथ तभी डालिए जब सांप का मंत्र जानिए। जब सांप का मंत्र नहीं आता है तो सांप के बिल में हाथ डालना गंदी बात है, बुरी बात है। तो फाइनली ये सोशल मीडिया पे आज काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने उनके कुछ गुर्गे कहिए या जो लोग कहिए कि जो बाबा सिद्दीकी को टपका दिए, और उनको टपकाने के बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वीडियो वायरल होने लगा सलमान खान के लिए कि सलमान खान अब तुम भी नहीं बच पाओगे, अपना ठिकाना ढूंढ लो। सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, तमाम वीडियो में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, चल भी रहा है कि सलमान खान घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, सलमान खान फिल्म नहीं कर रहे हैं। तब तक कुछ अपना नाम कमाने के लिए और सोशल मीडिया पे आने के लिए इधर पप्पू यादव बेचैन थे, लोग मैं नहीं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि परेशान थे कि मैं कब सोशल मीडिया पे आऊँ। इन्होंने तुरंत एक वीडियो में शेयर किया और वीडियो में इन्होंने बोला कि अगर सरकार मुझे अनुमति दे तो जितने ये लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग है मैं उनको 24 घंटे के अंदर समाप्त कर दूंगा। ये बात सोशल मीडिया पे तेजी से चला, एक हफ्ते से भी यही वीडियो कुल सब चल रहा था। तब तक अचानक पप्पू यादव को पास आ गया फोन यानी लॉरेंस बिश्नोई का। अब लॉरेंस बिश्नोई का कहिए कि जो जेल में बैठा है साबरमती जेल में कैसे हैंडल कर रहा है वो गैंगस्टर वो गुंडा, कि इधर पप्पू यादव को धमकी पे धमकी मिलने लगा। अब पप्पू यादव को धमकी मिला कि तुम्हारे नौ तुम्हारे ठिकाने हैं, जहाँ जहाँ तुम्हारा घर है, जहाँ जहाँ तुम्हारा आवास है जो तुम बनाए हो, सब मुझे पता है। थोड़ा शांत बैठो नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। अब पप्पू यादव की इतनी बात जब सुने तो पप्पू यादव की हालत हो गई खराब। अब सांसद जी लगे अमित शाह जी से यानी गुहार करने की हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। जो अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आने के लिए कहिए या अपना जलवा दिखाने के लिए अभी कह रहे थे कि अगर मुझे सरकार अनुमति दे तो मैं अभी 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग ही खत्म कर दूंगा, अब इस समय रो रो कर भीख मांग रहे हैं पप्पू यादव कि मुझे बचा लीजिए, केंद्र सरकार से भीख मांग रहे हैं कि मुझे बचा लीजिए, मेरी जान का खतरा है। तो देखिए कहा ये कहा तभी बोले कि सांप के बिल में हाथ तभी डालिए जब उसका मंत्र जानिए। इधर मनीष कश्यप भी कम नहीं रहे, उन्हें भी समय मिला और मौका मिला, उन्होंने भी अपने न्यूज के माध्यम से बहुत सारी बातें इनके बारे में बताया कि आप भी तो एक गैंगस्टर ही हैं और आप एक गुंडा से कम नहीं हैं, जो 40 मुकदमे आप पे भी लगे हुए हैं पप्पू यादव, अपने आप को तो पहले संभालिए, फिर बात दूसरे गैंगस्टर को आप साफ करिएगा। एक तो गैंगस्टर आप ही हो, आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं देता है, ना कोई पार्टी बुलाती है, निर्दलीय क्या पता कैसे आप एक बार चुनाव जीत गए और कोई पार्टी आपको शामिल करने के लिए राजी नहीं है। पहले अपना संभालिए कि आपकी छवि क्या है। इधर मनीष कश्यप ने जितना समझ में आया उतनी सारी बात मतलब कह डाले न्यूज के माध्यम से और बता दिए और बोल डाले। इधर पप्पू यादव चुपचाप सुनते रहे, अभी तक कोई उनका उधर से जवाब नहीं आया। बस जवाब में एक ही चीज आया कि मुझे बचा लीजिए, केंद्र से मांग कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए नहीं तो हमारे जान को खतरा है। काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो आइए आज के न्यूज में आप लोग को देखने को यही मिला। अब देखिए आगे क्या होता है, फिर जैसा आएगा तो आप लोग के बीच में न्यूज मिलेगा उस तरह का हम आपको देंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और छोटा सा प्यार अपना देते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए।